नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग दोस्तों। डी ट्रिपल एस भी आने को है, तो इस क्रम में हम रोज का एक लेक्चर वीडियो तो डेली अपडेट करेंगे ही करेंगे यूट्यूब पर। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट हैं कि सर आपकी कुछ ऑफलाइन क्लासेज भी हैं क्या? जी, हमारी कोई ऑफलाइन क्लासेज नहीं है। तो क्या आप किसी ऐप पर हैं? जी, हम किसी ऐप पर नहीं हैं। हम केवल और केवल इसी प्लेटफॉर्म पर हैं जिस पे आप हमें फिलहाल देख रहे हैं। तो आज हम इस सेशन में देखते हैं, तो आज इस सेशन में हम देखेंगे कुछ ब्लड के बारे में, जितना भी पॉसिबल होगा एक घंटे के इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड। दोस्तों, ब्लड के बारे में स्टडी करने से पहले हम देखें एक बार कि हम पढ़ना चाह रहे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हम तीन चीजें पढ़ते हैं मेनली, और वो तीनों चीजें क्या क्या हैं? एक हम पढ़ते हैं ब्लड, दूसरा हम पढ़ते हैं हार्ट, और तीसरी चीज हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। तो इन तीनों चीजों को दोस्तों हम वन बाय वन हम स्टडी करते चले जाएंगे, और जितना एग्जाम्स के हिसाब से, स्पेशली डी ट्रिपल एस बी के हिसाब से ही नहीं, नॉर्सेट के हिसाब से भी जितने चीजें बनती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जो चीजें आपको पता होनी चाहिए थ्योरेटिकली, वो सब कुछ हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम शुरू करेंगे ब्लड के साथ में। तो दोस्तों, हम ऑलरेडी टिश्यू हम पढ़ चुके हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ब्लड क्या कोई सेल, टिश्यू या ऑर्गन किसी में से आता है क्या? जी, आता है। और ब्लड को हम कंसिडर करते हैं किसमें? टिश्यू में। ब्लड एक तरीके का क्या है दोस्तों? टिश्यू है। किस तरीके का टिश्यू है ब्लड? ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। ना एपिथीलियम है, ना मसल है इसमें, ना नर्वस टिश्यू है, जो चार तरीके के हम टिश्यूज पढ़ते हैं। तो कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स जो हैं बहुत दूर दूर होती हैं, इसलिए उसका मैट्रिक्स भी बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ब्लड को लेकर के, अभी तक ये क्वेश्चन जो है वो आज तक आउटडेट नहीं हुआ, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ब्लड को लेकर के। दूसरी बात दोस्तों, ब्लड के काम क्या है? अब कोई एग्जाम में आपसे पूछने वाला नहीं है, लेकिन ब्लड के अगर हम काम देखें तो मेनली ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, फिर भी बहुत सारे काम हो जाएंगे। मेनली ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, गैसेज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हीट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर नहीं है दोस्तों एग्जाम्स के हिसाब से। चूंकि डी ट्रिपल एस भी नजदीक आने वाला है, तो हम वो चीजों पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे जो आपको एग्जाम्स क्वालिफाई कराती है। सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स आयतन, हिंदी में बोले तो इसका मतलब कितना होता है। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कितना होता है? तो जिस तरीके से हमने टोटल बॉडी फ्लूड पढ़ा था, वैसे ही इसका वॉल्यूम होता है दोस्तों। अगर आप वेट का परसेंटेज देखें तो 7 से 8%, ठीक है। मान लीजिए एक 70 kg का पर्सन है और उसका आप 7% निकालेंगे तो कितना होगा? 4.9 लीटर। फ्लूड को हम लीटर में देखते हैं। अगर 70 kg का अगर हम 8% निकालेंगे तो कितना होगा? 5.6 लीटर। इसका मतलब एक एवरेज 70 kg के पर्सन में एवरेज 5 से 5.5 लीटर का ब्लड होता है। पढ़ते क्या है हम? 5 लीटर के करीब ब्लड होता है। ऐसे ही ये तो परसेंटेज के हिसाब से था, या फिर हम इसको और भी कोई मेथड है क्या? जी, वेट का 1/12 होता है दोस्तों। 1/12, इसका मतलब 70 kg का पर्सन है, उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आता है? वही 5.5 से 6 लीटर के करीब आ जाता है दोस्तों। तो ये कोई फिक्स नहीं है, जो हम दोनों चीजों में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वेट का 7 से 8% या फिर 1/12 ऑफ योर बॉडी वेट इज ब्लड। अब ब्लड के कॉम्पोजिशन देखना दोस्तों कि ब्लड के अंदर मेनली होता क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, केवल ब्लड के अंदर होता क्या क्या है। ब्लड एक तो प्लाज्मा से मिलकर के बना है, प्लस ब्लड के अंदर क्या होती हैं? ब्लड सेल्स होती हैं। इसको इंपॉर्टेंट देखिएगा दोस्तों, हम यहां पर क्या बताने वाले हैं आपको, ये मैथ्स के फार्मूले की तरह से ब्लड जो है ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। सीरम क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ब्लड का मतलब प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। इसका मतलब अगर इस ब्लड में से हम ये ब्लड सेल्स को माइनस कर दें, ब्लड के अंदर से
ब्लड सेल्स को माइनस कर दिया, यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें माइनस ब्लड सेल्स तो क्या बचता है दोस्तों, प्लाज्मा बचता है। आपसे कोई पूछ ले कि प्लाज्मा क्या होता है, आप कहिए साहब ब्लड के अंदर से ब्लड की सेल्स को आप बाहर निकाल दीजिए तो वो क्या है, प्लाज्मा है। अब कोई आपसे पूछे कि फिर सीरम क्या होता है, सीरम क्या होता है, क्या सीरम और प्लाज्मा सेम चीज है क्या? जी नहीं, सीरम क्या होता है दोस्तों, अब इस प्लाज्मा में से क्या निकाल दीजिए, क्लोटिंग फैक्टर्स को आप बाहर निकाल दीजिए। प्लाज्मा के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको अगर आप प्लाज्मा से बाहर निकाल देंगे तो उससे जो बचा हुआ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों दो दिमाग में रखिएगा कि प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड के अंदर से ब्लड सेल्स को बाहर निकाल दें जो तीन तरीके के अभी हम पढ़ेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बाहर निकाल दीजिए, बचा हुआ क्या है, प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में से भी आप क्लोटिंग फैक्टर्स को बाहर निकाल दीजिए, बचा हुआ क्या है, सीरम है। एक चीज और बता दें दोस्तों हम आप लोगों को कि एग्जाम जब आप देने जा रहे हैं ना डी ट्रिपल एस बी मई जून में जो आप एग्जाम देंगे, और डेफिनेटली मई जून से ज्यादा नहीं होगा दोस्तों, वो छह महीने, कुछ है बच्चे तो ये वेट कर रहे हैं अभी तक जिनके कॉन्वर्सेशन हुई है कई बच्चों से कि सर एग्जाम कब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, मतलब आएगा क्या, मतलब तो मतलब उन्हें वो वरीड नहीं है इसके बारे में ना। हम एक चीज बता दें दोस्तों, जिंदगी में किसी चीज के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, मतलब हमारी सोच एकदम से उल्टी है दोस्तों, हम सीधा सपट करने वाले लोग हैं। जिंदगी में आप कुछ भी कर रहे हैं जैसे परेशान होके मत कीजिए, अगर मन करना है तो कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है। मैक्सिमम बच्चे तो ये एग्जाम इसलिए देंगे क्योंकि डी ट्रिपल एस बी की आज हम बता देते हैं, अदरवाइज पता भी नहीं होगी क्योंकि पहली बार अपीयर ही नहीं हुए होंगे दोस्तों अभी तक आप लोग। नॉरसेट की फीस जो दोस्तों वो 3000 रुपए थी, डी ट्रिपल एस बी की एक तरीके से कोई फीस नहीं है। क्या कोई नहीं है क्या जी? 100 रुपए मात्र, 100 रुपए फीस है दोस्तों। तो मैक्सिमम अच्छा जी एग्जाम देके आ जाते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों हमने बता दिया ना। डी ट्रिपल एस बी में एस इस प्रवृत्ति से सिलेक्शन नहीं होगा कि चलो एग्जाम देने चलते हैं, जी नहीं दोस्तों। यहां पर लड़ाई किस चीज की है, लगान मूवी देखी है, लगान मूवी में भुवन किसको बोलता है, कचरा को बोलता है कि कचरा बॉल को टच करके भाग, मतलब उसको स्ट्राइक पे आना था भुवन को, लगान का सवाल था भुवन को स्ट्राइक पे आना था, टच करके भाग। हम क्लियर कट बोल रहे हैं दोस्तों 60 नंबर लाने पड़ेंगे पार्ट वन में। एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या दोनों में पास होना जरूरी है क्या? जी नहीं, अगर मेरिट केवल 100 नंबर की रह रही है तो आप किसी भी पार्ट में पास हो जाइए, आप नॉन नर्सिंग पार्ट में पास हो जाइए, आप सिलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर बन गए दोस्तों अगर आप 100 नंबर की मेरिट जा रही है तो। लेकिन 100 में से 100 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ना नर्सिंग में और ना ही पार्ट वन में। इसका मतलब मेरे डिसाइड को नर्सिंग में कितने, नर्सिंग बहुत इजी आएगा, कंपैरेटिवली बहुत इजी आएगा, इतना भी ऐसे मत समझ लीजिए, हम कंपैरेटिवली इजी की बात कर रहे हैं, आप 80 नंबर भी उसके अंदर ला सकते हैं। मेरिट डिसाइड कौन करेगा? मेरिट डिसाइड करेगा पार्ट वन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दोस्तों आप दोस्तों टॉप में, अब हम एक आध एक चीज और बता देते हैं और चैलेंज के साथ कह रहे हैं, जो डी ट्रिपल एस बी 2022 टॉप करेंगे बच्चे, टॉप करने वाले कितने बच्चे, 30 बच्चे, इनको कर दीजिए आप साइड में, ठीक है ना, इनको कर दीजिए साइड में। नीचे जितने भी बच्चे हैं उनमें से मुझे कोई बच्चा ये कॉल करके बोल देना कि सर मेरे 60 नंबर नहीं थे पार्ट वन में और फिर भी मैं सेलेक्ट हो गया दोस्तों, जनरल की बात कर रहे हैं, 60 नंबर नहीं और फिर भी मैं सेलेक्ट हो गया दोस्तों, पढ़ाना छोड़ देंगे। नोट कर लीजिएगा पार्ट वन के अंदर ये 60 नंबर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं दोस्तों, उसी दिन से तामझाम है ना, इसको जो बोर्ड लगा हुआ है इसको नॉर्मल टीवी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 60 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, टच करके भागना पड़ेगा, वही लगान मूवी वाली बात है। तो 60 नंबर ऐसे नहीं आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नर्सिंग के साथ साथ में हम बता रहे हैं दोस्तों आपको। 60 नंबरों के लिए दोस्तों हम आपको 100% प्रिपरेशन कराएंगे, केवल 60 नंबरों के लिए नहीं, कम से कम दोस्तों लोग तो बोलते हैं 100 नंबर पॉसिबल नहीं है, हम कहते हैं आप किसी भी कोचिंग एसएससी सीजीएल की कोचिंग सेंटर में चले जाइए, वो आपको 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर नहीं करा सकता, हम कराएंगे 80 से 85 नंबरों के लिए गारंटी के साथ में दोस्तों, कि यहां से आइए और दावे के साथ में आपको बताएंगे लास्ट में कि देखिए हमारे सेशंस को आप रिव्यू कीजिए यूट्यूब पर और देखिए कितने क्वेश्चंस इनके अंदर से आगे आने वाली 5 महीने की क्लासेज में से। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करते हैं ब्लड को। दोस्तों हमने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस किया था इस टर्म का, ओंकोटिक प्रेशर। ओंकोटिक प्रेशर क्या होता है? एक तरीके का ओस्मोटिक प्रेशर ही होता है, क्लियर है। हम यहां पर ये वापस क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लड जो है वो ब्लड
कि जो वेसल्स हैं उनसे बाहर क्यों नहीं निकल जाता, जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनसे बाहर क्यों नहीं निकल जाता। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर चाहिए उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इस ऑन्कोटिक प्रेशर का नाम क्यों आ गया जी? जो प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से है, जो प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से है, उस प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं? ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। और नॉर्मली हम 25-26 से लेकर के 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का इस प्रेशर को पढ़ते हैं। तीसरी ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, छोटी छोटी चीजें 1% भी नहीं छूटनी चाहिए। अब जब ब्लड की बात कर रहे हैं तो हम ब्लड विड्रॉ करते हैं दोस्तों कुछ एक कामों के लिए, और किस किस के लिए और किस लिए ब्लड विड्रॉ करते, और ब्लड विड्रॉ करने की टेक्निक्स क्या क्या होती है दोस्तों? एक होती है वेनी पंक्चर, यानी कि वेन को पंक्चर करके आप ब्लड सैंपल लेते हो। ब्लड वेनी पंक्चर के लिए सबसे कॉमन साइट क्या है? वेन को पंक्चर करने के लिए, किस लिए? ब्लड को विड्रॉ करने के लिए दोस्तों। क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम्स में, हम बेहतरीन जगह से दोस्तों सैंपल ले लेते हैं जब नहीं मिल रहा होता तो, लेकिन सबसे कॉमन सबसे पहले हम कहां ट्राई करते हैं? हम एल्बो पे ट्राई करते हैं दोस्तों। और एल्बो पे उस वेन का नाम क्या है? आर्टरी से लेते हैं, वेन से लेते हैं। वेनी पंक्चर जितने भी ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं वो वेन से लिए जाते हैं। आर्टरी से भी लेते हैं क्या? जी लेते हैं, एबीजी आर्टरी से ही लिया जाता है। तो यहां पर ये कौन सी वेन है जो एकदम से बीच में दिख रही है आपको? इस वेन का नाम क्या है? ये एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेन है दोस्तों मीडियन क्यूबाइटल वेन एंटीरियर टू योर एल्बो, एंटीरियर साइड में है, पोस्टीरियर साइड में नहीं है, एंटीरियर है दोस्तों एल्बो में। और ये मीडियन क्यूबाइटल वेन जो है वो सबसे कॉमन साइट है वेनी पंक्चर के लिए, ब्लड विड्रॉ करने के लिए। चीज क्लियर होनी चाहिए। इस वेनी पंक्चर के लिए अलावा भी कोई मेथड्स हैं क्या? जी, नाम सुनते हो दोस्तों फिंगर स्टिक का नाम कहां पर लिया जाता है दोस्तों? फिंगर में, बस केवल पंक्चर किया आपने, केवल किस लिए करते हो? ब्लड शुगर के लिए, फास्ट ब्लड शुगर का सैंपल लेने के लिए ड्रॉप चाहिए होती है दोस्तों आपको, मैक्सिमम इस फिंगर स्टिक का यूज करते हो, फिंगर स्टिक सैंपल लेते हो आप उसमें। हील स्टिक का भी नाम सुना है क्या? हील स्टिक किस में देखते हैं दोस्तों? इन्फेंट्स में, हील से लेते हैं दोस्तों सैंपल, वहां पर पंक्चर करके आरबीएस जब देखना होता है तो हील स्टिक कहते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ये भी एग्जाम्स का, हील स्टिक सैंपल किस में लिया जाता है? इन्फेंट्स में लिया जाता है, चिल्ड्रन में भी बोल सकते हो दोस्तों, थोड़ी सी एज के बाद में भी बोल सकते हो आप, लेकिन इन्फेंट्स क्लियर कट क्वेश्चन लिखा हुआ आता है। हील स्टिक सैंपल किस में? इन्फेंट्स में। ऑन्कोटिक प्रेशर पढ़ते पढ़ते दोस्तों दिमाग से निकल गई एक चीज, हम क्या कहना चाह रहे थे आपको, एडिमा के लिए अगर हमने पहले भी अगर आपको बताया था तो एडिमा कैसे हो जाता है? एडिमा में प्लाज्मा प्रोटीन्स का क्या रोल है दोस्तों? अगर मान लीजिए प्लाज्मा प्रोटीन्स कम ही बन रहे हैं या फिर लॉस हो गया, या तो प्लाज्मा प्रोटीन्स कम बन रहे थे या लॉस हो गया, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का अमाउंट भी ब्लड के अंदर कम हो गया। प्लाज्मा प्रोटीन्स किसको मेंटेन करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम हो गया। ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया तो फ्लूड जो है वो एस्केप करके कहां चला जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है दोस्तों, समझ रहे हैं? और इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूड के एक्युमुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? एडिमा बोलते हैं, जिसके हमने एग्जांपल्स बताए थे बर्न के केसेज में, ट्रोमा में भी। ट्रोमा में दोस्तों सूजन आ जाती है ना, तो फ्लूड जो एस्केप कर जाता है किस वजह से? प्लाज्मा प्रोटीन्स के लॉस की वजह से फ्लूड एस्केप करके इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, इसी को हम बोलते हैं एडिमा, पता होना चाहिए। अभी हम देख रहे थे दोस्तों ब्लड का मतलब क्या है, ब्लड का मतलब प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, राइट। अब ये प्लाज्मा कितना होता है और ब्लड सेल्स कितनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं कह रहा हूं दोस्तों छोटी छोटी चीजें सीखोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। प्लाज्मा यानी नॉर्मल में लिक्विड की तरह से तो दिख रहा है, वो ज्यादा होता है, कितना होता है? 55%। ब्लड सेल्स कितनी होती है? 45%। इसमें भी ज्यादा कौन सी है?
पढ़ेंगे दोस्तों आरबीसी जो है इसमें भी सबसे ज्यादा 99% जो सेल्स हैं वो कौन है, आरबीसी ही हैं। क्यों? क्योंकि वो लाख के करीब है, एक दूसरे हजारों के अंदर है, केवल वो है मिलियंस के अंदर। तो ठीक है, तो ब्लड का कंपोजिशन में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, प्लाज्मा कितना 55%, ब्लड सेल्स कितनी 45%, 100% हो रहा है ना दोस्तों, एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस प्लाज्मा की एक चीज और दिमाग में रखना, इसमें मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम पानी है दोस्तों, कितना है 90 से 92%, 92% क्या है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, क्या है पानी ही है। इसके अलावा उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी घुले हुए हैं, गैसेज भी घुली हुई हैं दोस्तों, काफी सारी चीजें हैं। प्लाज्मा की कंपोजिशन में सबसे मेन कंपोनेंट कौन है, वाटर है, कितना है 90 से 92% तक है। थोड़ा सा दोस्तों हम देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में, प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब दोस्तों हमने लास्ट टिश्यू में हम क्या पढ़ रहे थे, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी इज कोलेजन। सब बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन कौन है दोस्तों, एल्बुमिन है। सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन कौन है दोस्तों, एल्बुमिन। जो मेन है वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन्स का नाम आते ही सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट एग्जाम्स के हिसाब से, ये नहीं बनाता कौन है, ये सिंथेसाइज कहां होते हैं, बनते कहां पर है। मैक्सिमम बॉडी की जो चीजें, मैक्सिमम चीजों का सिंथेसिस है दोस्तों लिवर के अंदर होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का भी, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी कहां हो रहा है दोस्तों, लिवर के अंदर हो रहा है। छोटा सा एक्सेप्शन आएगा, अभी डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन्स का जब भी नाम आए कहां बन रही है, लिवर के अंदर बन रहे हैं। क्लियर है? कौन कौन से होते हैं मेनली, एक तो सबसे ज्यादा कौन है, एल्बुमिन है, इसके अलावा क्या है, ग्लोबुलिन्स है, इसके अलावा क्या है दोस्तों, फिब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन जो भी आप बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों देखिएगा। एल्बुमिन कितना होता है, लगभग 54% टोटल प्लाज्मा प्रोटीन जितने हैं उनमें से 54%, यानी आधे से ज्यादा तो अकेला ही हो गया कौन, एल्बुमिन। ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा होगा ही होगा, आधे से ज्यादा क्रोध खुद अकेला ही कर गया। तो ग्लोबुलिन्स कितने होते हैं, लगभग 38% होते हैं, और फिब्रिनोजन कितना होता है, लगभग 7% है दोस्तों, 99% तो ये तीनों मिलकर के ही हैं। इसके अलावा जो बचे थोड़े बहुत क्लोटिंग फैक्टर्स के प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एक आधे और जो भी बच जाते हैं, लेकिन तीन मेन प्लाज्मा प्रोटीन दोस्तों डिस्कस कर ली, ध्यान दे लीजिएगा यहां पर। सबसे ज्यादा एल्बुमिन कितना 54%, ग्लोबुलिन्स कितना 38%, फिब्रिनोजन कितना 7%, ये तीन मेन प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। कहां सिंथेसाइज हो रहे हैं दोस्तों, कहां सिंथेसाइज होते हैं, सारे के सारे कहां सिंथेसाइज होंगे, लिवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। छोटा सा एक्सेप्शन आएगा, डिस्कस करने वाले हैं। एल्बुमिन के बारे में छोटी छोटी दो तीन बातें पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा है, सब एक तो बात सबसे ज्यादा है, ये मोस्ट कॉमन है कौन, एल्बुमिन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन काम क्या करते हैं, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑन्कोटिक प्रेशर के मेंटेनेंस के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो सबसे ज्यादा कौन है भाई, एल्बुमिन है, वही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। देखते हो दोस्तों एल्बुमिन दिया जाता है पेशेंट को, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। डिस्कस करेंगे दोस्तों उसके बारे में भी, फ्लूड्स के अंदर बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों 3.5 से 5.5, लेकिन अब बात आती है यूनिट की। हम मैक्सिमम चीजों को पढ़ते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों ये प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर नहीं, ग्राम पर डेसीलीटर में है इसकी यूनिट। 3.5 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर, या फिर 35 से 55 ग्राम पर लीटर, एक लीटर में, एक डेसीलीटर का मतलब गया 10^-1, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 से 55 ग्राम हो जाता है दोस्तों एक लीटर ब्लड के अंदर। एक लीटर ब्लड के अंदर कितना मिल जाएगा आपको एल्बुमिन,
35 से 55 ग्राम के अंदर मिल जाए, लगभग मिल जाएगा आपको। मतलब हमारी बॉडी में 5-5.5 लीटर में 250-300 ग्राम क्या है, एल्बुमिन ही है। अब समझ लीजिए एल्बुमिन कितना है हमारी बॉडी के अंदर, 250 से 300 ग्राम तक एल्बुमिन है हमारी बॉडी में। कहां सिंथेसाइज हो रहा है, सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन कहां सिंथेसाइज होते हैं, लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। इसके अलावा एग्जाम में दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, समझ के रख लीजिएगा। हम बता रहे हैं दोस्तों बार बार, जिन्होंने नर्सिंग स्मार्ट की क्लासेज में अब की बार एक बार डुबकी लगा ली, समझ लो नैया पार हो गई। अगले 120 से 140 150 दिन जब तक एग्जाम होता है दोस्तों, हमको ये नहीं करें हमारी क्लासेज में आकर के आप बैठे रहिए एनी टाइम। बेहतर है जितने लाइव वीडियोज में दोस्तों आप डेढ़ डेढ़ घंटा बैठते हो, हम उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए बोलते हैं दोस्तों, जिनकी अपने क्लासरूम्स में क्लासेज भी चल रही हैं और जो यूट्यूब पर भी केवल अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए आ रहे हैं, आप उनकी क्लासेज को हमारी क्लासेज से रिप्लेस कीजिए दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी क्लासेज में जाना बंद कीजिए, यस वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, बेशक दोस्तों उनकी क्लासेज में जाइए, लेकिन जो भी बच्चा यूट्यूब लाइव पे बैठ करके नर्सिंग की क्लासेज में बैठ रहा है, हम कह रहे हैं दोस्तों क्लियर कट, वो बच्चा क्लियर कट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है दोस्तों। सॉरी हम ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं किसी के लिए, लेकिन आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, डेढ़ घंटे की क्लास में 1 आवर 30 मिनट की उनकी क्लास में 40 मिनट का भी पढ़ने का मेटेरियल नहीं है। इसलिए हम आपके केवल टाइम सेविंग के लिए, और आज इस क्लास में दोस्तों हमने पहली बार माफी चाहते हैं दोस्तों, इतना हम बोल रहे हैं पढ़ाने के अलावा थोड़ा सा ज्यादा बोल गए हैं दोस्तों, केवल आपको सचेत करने के लिए कि अगर आपको डीटीब्लेस भी क्लियर करना है तो कहीं डेडिकेटेड क्लासेज में जाइए या फिर ये यूट्यूब की लाइव क्लासेज में, तो अपना टाइम 1% भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे दोस्तों कंप्लीटली सटीक पढ़ाएंगे, उसमें कहीं पर भी आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ रहे थे दोस्तों हम, दूसरे क्या होते हैं, ग्लोबुलिन्स। एल्बुमिन कितना था, 54%, ग्लोबुलिन्स कितने होते हैं, 38%। पहली चीज। दूसरी चीज, ग्लोबुलिन्स जो हैं, कुछ ग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यह चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना दोस्तों, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं, कुछ ग्लोबुलिन्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और जो दो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक थायराइड का हार्मोन होता है दोस्तों थायरोक्सिन, क्लियर। इस थायरोक्सिन को जो ग्लोबुलिन कैरी करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन, थायरोक्सिन का थायरो और ग्लोबुलिन, क्लियर। तो समझ में आना चाहिए एग्जाम में, जो आप सोचोगे ना कि भाई मैं तो याद नहीं करके जाऊंगा समझ जाऊंगा, नहीं, वो इसी तरीके के एग्जाम्स के अंदर आपको घुमा करके शब्द रखेगा, वहां पर टर्म्स रखेगा। थायरोक्सिन को कौन कैरी करता है, थायरोग्लोबुलिन। एक होता है आयरन, आयरन को कैरी करने वाला ग्लोबुलिन कौन है, ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन कौन है आपको, या फिर ऐसे भी बोल सकता है आयरन का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट करने वाला, तो वहां से वर्ड आया ट्रांस, और आयरन का क्या आया, फेरिन, ट्रांसफेरिन। आप सोचोगे फेरिन क्यों भाई, फेरम बोलते हैं आयरन को केमिस्ट्री में, आयरन को केमिस्ट्री में फेरम के नाम से बोलते हैं, तो ट्रांसफेरिन आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स का, आयरन को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन का नाम बताइए, आयरन को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्लाज्मा प्रोटीन का नाम बताइए, आयरन को ट्रांसपोर्ट करने वाले ग्लोबुलिन का नाम बताइए, कैसे भी क्वेश्चन आएगा ट्रांसफेरिन। थायरोक्सिन को कैरी करने वाले प्लाज्मा प्रोटीन का नाम बताइए थायरोग्लोबुलिन, क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों एक पेज देखिए, यहां पर कुछ ग्लोबुलिन्स हमारी इम्यूनिटी में इन्वॉल्वड रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है इम्यूनिटी में इन्वॉल्वड रहते हैं, कौन रहते हैं, जो कि एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडीज एक्चुअली क्या है, ग्लोबुलिन्स ही हैं, एंटीबॉडीज का काम करते हैं, इम्यूनिटी का काम करते हैं, तो इनको इम्यूनिटी की वजह से हमने क्या नाम दे दिया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्या नाम दिया दोस्तों, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। पढ़ेंगे दोस्तों सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे स्क्रीन रिकॉर्ड पर ऑलरेडी एक वीडियो होगा इसका, देख सकते हैं आप चाहे से पहले की क्लासेज से, हम रिपीट कर देंगे दोस्तों उसको स्क्रीन कर यहां पर इंटरेक्टिव पैनल पर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये किससे बनते हैं, कौन बनाता है दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, WBCs में सिंथेसाइज होते हैं। इसका मतलब छोटा सा
यहां पर एक्सेप्शन आ गया कि जितने प्लाज्मा प्रोटीन हैं सारे लिवर के अंदर सिंथेसाइज हो रहे थे, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो WBCs में सिंथेसाइज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा दोस्तों हमने एल्बुमिन पढ़ा, दूसरा ग्लोबुलिन पढ़ा, तीसरा दोस्तों हमने पढ़ा था फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक्चुअल में क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर होता है। और मैक्सिमम क्लोटिंग फैक्टर्स क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन ही है। और इन क्लोटिंग फैक्टर्स में से सबसे ज्यादा द मोस्ट अबंडेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन है? फाइब्रिनोजन ही है। ये दोस्तों समझिएगा, फाइब्रिनोजन ही है द मोस्ट अबंडेंट क्लोटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन। और वैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स के हिसाब से कितना है? 7% है, पता रहनी चाहिए। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया प्लाज्मा में से इसके क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दें, इसके क्लोटिंग फैक्टर्स को अगर हम प्लाज्मा से बाहर कर दें तो क्या बच जाएगा? सीरम बचेगा दोस्तों, पता होना चाहिए। काफी जगहों में प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन माइनस करके भी इसको क्या बोला जाता है? सीरम बोला जाता है दोस्तों। लेकिन बेस्ट डेफिनेशन जो सीरम की है वो केवल क्लोटिंग फैक्टर्स को बाहर निकालने से जो प्लाज्मा बचता है दैट इज सीरम। ब्लड के अंदर क्या कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं क्या? जी, ब्लड के अंदर वेस्ट हैं दोस्तों। और एग्जाम्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट का कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है किसमें? सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी किसका? मेनली ग्लूकोज, और मेनली क्या? ग्लूकोज का ही। बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में है? ग्लूकोज के फॉर्म में है, जो काम में आ रहा है। स्टोर्ड फॉर्म क्या है? ग्लाइकोजन है। तो ग्लूकोज का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है दोस्तों, ATP मॉलिक्यूल्स के साथ में वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक तरीके की गैस है। और इस गैस को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? टिश्यूज से। कहां से कैरी होगी? टिश्यूज से, ब्लड के थ्रू कैरी होते हुए लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी। ऐसे ही प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट कौन है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, तीन चार तरीके से चीजें पता होनी चाहिए। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं? यूरिया, तीन चीजें, यूरिक एसिड, और तीसरा कौन है? सीरम, क्रिएटिनिन जिसको आप बोलते हो, क्रिएटिनिन। यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, तीनों के तीनों नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट्स हैं दोस्तों। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में, नाइट्रोजिनस वेस्ट किसके मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं? प्रोटीन्स के हैं। कौन से होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए दोस्तों। यूरिया कहीं पर आपको 7 से 20, कहीं पर 8 से 20, जो भी दोस्तों वाइड रेंज है दोस्तों, नेरो रेंज नहीं है यूरिया की, क्योंकि यूरिया की बड़ी अमाउंट होती है हमारे यूरिन में। लिमिट यूनिट दोस्तों वही मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूरिक एसिड दोस्तों मेल्स फीमेल्स में अलग अलग है, पूछा नहीं जाता, लेकिन ध्यान में रखना 2.5 से लेकर 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन दोस्तों, यूरिया भी इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिनिन भी इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिनिन कितना दोस्तों? ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, यही ध्यान में रखना है, आधे से डेढ़ तक का। आपको कई जगह पर 0.5 to 1.2 भी लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो एक ही क्वेश्चन में आपको नजर नहीं आएंगे। आपको ये याद रखना है दोस्तों, आधे से लेकर के डेढ़ तक का क्या सीरम क्रिएटिनिन, यूनिट क्या है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पता होनी चाहिए दोस्तों। कहीं पर भी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको जितनी भी जो वैल्यूज हैं वो आपको चैप्टर्स के साथ साथ में रीड करनी पड़ेंगी। चाहे से आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, डेस्क के सामने रख लीजिए, लेकिन वहां से बार बार हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के साथ में पढ़ेंगे, तो वो ज्यादा ईजी रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, आपको चीजें याद रहेंगी। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लासेज में, वो क्या? ब्लड किसको कैरी करता है? ब्लड कुछ गैसेज को भी कैरी करता है। पढ़ रहे थे दोस्तों हम अभी, कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र आया, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है किसका? कार्बोहाइड्रेट का वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ग्लूकोज है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट है जब ATP मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, एनर्जी बन रही होती है तो उससे। तो ब्लड कौन कौन सी गैसेज को कैरी करता है दोस्तों? ब्लड दो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। क्लियर है? ऑक्सीजन को दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? RBCs के अंदर डिस्कस करेंगे।
हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कैरी करता है, कैसे कैरी करता है दोस्तों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, इसके साथ में जो कंपाउंड बनाता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। लेंथ में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि बहुत लूज बॉन्ड है, तुरंत का तुरंत छोड़ देता है इसको, ताकि जहां पर भी टिश्यूज पे सेल्स में जरूरत हो वहां पर ऑक्सीजन उसको मिल जाए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्लियर है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है, ब्लड के अंदर ही होता है हीमोग्लोबिन, किसमें, आरबीसीज में। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक तो ये दिमाग में रखना दोस्तों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, समझिएगा इस चीज को नॉर्मल सा। तो ऑक्सीजन का पार्ट दोस्तों हम लेंथ में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कैरी जो करना है वो किसको, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के हिसाब से दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैसे कैरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के तीन तरीके हैं दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके देखिएगा कि कौन सी चीज कहां कैसे यूटिलाइज हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे कैरी हो रही है दोस्तों ब्लड में, एक तो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाती है दोस्तों, प्लाज्मा कैरी करता है कौन, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, कैसे करके दोस्तों अपने अंदर घोल लेता है, डिजोल्व कर लेता है। तो ऑक्सीजन जो है वो क्यों नहीं कैरी कर ले प्लाज्मा, वो उसके लिए हीमोग्लोबिन की ही जरूरत क्यों है दोस्तों, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना करके क्यों कैरी की जाती है दोस्तों। नेचर दोस्तों बताते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, एक तरीके से हमारी लैंग्वेज में निगेटिव बंदा है। निगेटिव बंदों की दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात होती है, उनका फ्लड पावर जो होता है ना दोस्तों, फ्लड करने का, लोगों को अपनी बातों में उलझाने का वो क्षमता उनकी बहुत जबरदस्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और वो प्लाज्मा में डिजोल्व होने की उसकी जो कैपेसिटी है, पावर जो है वो ऑक्सीजन की बजाय में 20 गुना ज्यादा है दोस्तों, 20 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होती है प्लाज्मा में या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिजोल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा डिजोल्व रखने की कैपेसिटी रखती है। और प्लाज्मा क्या सारी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही कैरी होती है क्या प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के, नहीं, केवल 5-7% कार्बन डाइऑक्साइड ही इस मेथड से कैरी होती है। ब्लड कितने परसेंट ऑक्सीजन को, ब्लड कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को अपने प्लाज्मा में घोल करके डिजोल्व करके कैरी करता है, ध्यान में रखिएगा, केवल 5-7%। डिजोल्यूशन की पावर कितनी है दोस्तों इसके ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, 20 गुना ज्यादा। मतलब अगर प्लाज्मा में एक, क्या प्लाज्मा में ऑक्सीजन भी घुलती है क्या, जी घुलती है, थोड़ी बहुत घुलती है दोस्तों, एक मॉलिक्यूल मान लीजिए ऑक्सीजन का घुला, उतनी देर में कार्बन डाइऑक्साइड के 20 मॉलिक्यूल जो है, 20 मॉलिक्यूल जो है वो डिजोल्व हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के कितने परसेंट ऑक्सीजन, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के कैरी होती है, 5-7%। तो दूसरी मेथड क्या है दोस्तों, दूसरी मेथड क्या है भाई, बाउंड टू प्रोटीन, प्रोटीन से बाउंड होकर के, बाउंड टू प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कौन भाई, बाउंड टू प्रोटीन कौन सा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन क्या, जी नहीं, ये प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम का। दूसरा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होने का, हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होकर के, बाउंड होकर के कैरी होना, कितना परसेंट, 10%। हमने देखा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड होकर के क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगी, क्या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है क्या, जी नहीं, एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन, क्या कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कैसे बोलते हैं दोस्तों इसको, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन नहीं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, लेकिन आप ऐसे ही याद कीजिएगा इसको, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ये है बाउंड टू प्रोटीन कार्बन डाइऑक्साइड के कैरी होने का दूसरा तरीका। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, केवल 10%, उससे कितनी हो रही थी डिजोल्ड इन प्लाज्मा, केवल 5-7%, यानी 5% मान लीजिए, 15% कार्बन डाइऑक्साइड ही कैरी होती है डिजोल्व होकर के और हीमोग्लोबिन के साथ में। बची हुई कैसे कैरी होती है ये दोस्तों भूल मत जाइएगा इसको,
दिमाग में छाप लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया आने वाले एग्जाम का। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड होकर के एक केमिकल कंपाउंड बनाती है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और कैरी होती है कहां तक? लंग्स तक। आपसे कोई पूछ ले ये HBCO2 ये क्या चीज है, यही है दोस्तों कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये कोई प्रॉपर कंपाउंड नहीं, हम लिखने का तरीका। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन किस कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड कैरी हो रही है? ऐसे केवल 10%। तो दोस्तों कितनी हो गई? 15%। तीसरा क्या बचा? तीसरा तरीका क्या है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड के कैरी होने का तीसरा तरीका है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम से। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम से दोस्तों, बफर सिस्टम बची कितनी? लगभग 85% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के द्वारा ही कैरी होती है। कैसे कैरी होती है दोस्तों? बताते हैं दोस्तों हम आपको। एक एंजाइम होता है किसमें? आरबीसीज में, और उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये समझिएगा दोस्तों, पहले तो CA भी लिखते हैं लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड एब्रीविएशन नहीं है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एज लगा हुआ है इसका मतलब कोई हार्मोन नहीं है दोस्तों, एक तरीके का एंजाइम है। किसमें होता है? आरबीसीज के अंदर होता है, आरबीसीज में। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आप देखो आपको चीजें समझनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेंगी कि जब हम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम पढ़ रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए, तो एक एंजाइम का नाम आया था। क्या आया था? कार्बोनिक, ऐसा ही कोई नाम था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या था भाई? किसमें होता है, कौन रिलीज करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? आरबीसीज के अंदर होता है, आरबीसीज प्रोड्यूस करती है। काम क्या करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज? काम क्या है दोस्तों कार्बोनिक एनहाइड्रेज का? कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ में मिला करके, पानी के साथ में मिला करके क्या बना देगा? कार्बोनिक एसिड बना देता है, H2CO3। क्लियर है दोस्तों? कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो इस काम में कौन आया? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। किसका? आरबीसीज का। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ में मिला करके कार्बोनिक एसिड बना दिया। बहुत जल्दी काम करता है दोस्तों कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एक्शन को, इस रिएक्शन को बहुत जल्दी करा देता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये जो कार्बोनिक एसिड है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तुरंत का तुरंत क्या हो जाता है? H2CO3 जो है वो हाइड्रोजन आयन्स प्लस बाइकार्बोनेट आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों बॉडी की पीएच मेंटेन करने के भी, ब्लड की पीएच मेंटेन करने के भी काम में आता है। H2CO3 में से हाइड्रोजन आयन्स रिलीज हो जाते हैं और बाइकार्बोनेट्स बन जाता है। यही है कार्बन डाइऑक्साइड के कैरी होने का, ट्रांसपोर्ट होने का सबसे ज्यादा तरीका, सबसे कॉमन तरीका, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की फॉर्म में। कितना भाई? 85% कार्बन, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए कोई एंजाइम काम में आ रहा है क्या? जी, आरबीसीज का एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दोस्तों बात चली है तो हमेशा दूर तक जानी चाहिए, हम बातों को बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जहां पर सिलेक्शन की बात आती है, एग्जाम्स की बात आती है, तो बात चल रही है तो दूर तक। और दूर तक क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है, आप बोलोगे कि सर क्या जी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन हमने ऑक्सीजन की बात कर ली, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली, दोस्तों एक गैस तो और होती है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लिखते हैं CO से। तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कैरी करने का काम करता है क्या ब्लड? दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरीके से पॉइजन होती है, पॉइजनस गैस है भाई, जिसका काम ही नहीं उसको क्यों कैरी करेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशंस में, सर्दियां चल रही हैं दोस्तों और आपको लग रहा होगा कि हम शर्ट में, अकेली शर्ट में ऐसे कैसे भी इंजाम कर रखा है, दोस्तों टेंशन मत लीजिए, आपके लिए सारा इंजाम कर रखा है, इसलिए जितनी परेशानियां झेलनी है हम झेल लेंगे, आप बस बिना परेशान हुए प्रिपेयर कीजिए दोस्तों एग्जाम्स के लिए। हमने बार बार बोल रहे हैं हम आप लोगों को, किसी भी काम को जिंदगी में अगर कर रहे हो ना, परेशान होके मत कीजिए, आराम से कीजिए बस। केवल अगर कोई काम आराम से हो जा रहा है तो कर लीजिए, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों नर्सिंग रिक्रूटमेंट का एग्जाम भी वही है,
कि बिना परेशानी को आपको करना पड़ेगा, परेशान होकर करोगे तो नहीं हो पाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों पॉइजन है, पॉइजनस गैस है। कब सुनते हैं हम इसका नाम? सर्दियों की बात की दोस्तों हमने अभी। सर्दियों में अगर आपने बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जला करके अगर सो गए, कोयले की अंगीठी करते हैं दोस्तों गांव के अंदर, अब तो लोग समझदार हो गए, सबको पता लग गया इसके एक्सीडेंट्स का क्या रिजल्ट होता है। ऐसा करने से क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, कोयले का इनकम्प्लीट कंब्यूशन हो रहा होता है, कोयला ठीक से पूरा नहीं जल रहा होता, कमरे के अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन है, इनकम्प्लीट कंब्यूशन होता है दोस्तों, मतलब वो आधा अधूरा जलता है। और लकड़ी के कोयले के इनकम्प्लीट कंब्यूशन से गैस बनती है, कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि पॉइजनस गैस है। तो क्या हुआ दोस्तों, अब दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और भी ज्यादा निगेटिव पर्सन, हम अभी बता रहे थे निगेटिव पर्सन से दूर रखिए, उनका फ्लड पावर बहुत ज्यादा होता है दोस्तों बातों में उलझाने का। ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन का मूल्य मान लीजिए दोस्तों, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है हमें पता है, मानना क्या है, चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, तो लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कितना, इससे भी 200 गुना ज्यादा, मतलब इसकी हीमोग्लोबिन के साथ में बातों में उलझा करके, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को ऐसा उलझाती है, ऐसा उलझाती है तेरे को कनाडा में जॉब दिलाऊंगी और चल साथ में, और चल साथ में। उसकी उलझाने की पावर कैसी है दोस्तों, यानी क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को इससे भी 200 गुना ज्यादा, 200 गुना ज्यादा बातों में उलझा लेती है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड एक हीमोग्लोबिन के मोलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन के मोलिक्यूल के साथ में अटक गई, उसके साथ में बॉन्ड जो है उतना जबरदस्त बनाती है कि उसको छोड़ने का नाम नहीं लेती। मतलब दोस्तों सिंपल, हम मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में या केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में कहें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी, इसका लगाव किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में 200 गुना ज्यादा है ऑक्सीजन की बजाय। दोस्तों जैसे आप सोचिए, ऑक्सीजन का कोई मोलिक्यूल आकर के हीमोग्लोबिन कहे क्या मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है ना, और मैं आपके साथ में रहना चाहती हूं, ठीक है। ऑक्सीजन कह रही है दोस्तों किसको, हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन कन्विंस हो गया, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, रहते हैं साथ में। एक तो वो सिचुएशन कन्विंस हुआ, कैसे कन्विंस हुआ पता नहीं, मान लीजिए उसको कितना भी टाइम लगा। एक कार्बन मोनोऑक्साइड उसको कहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसको आके कहती है, बातों में उलझाती है और 200 गुना ज्यादा जल्दी, 200 गुना बेहतर तरीके से उसको कन्विंस कर लेती है कि जी यस आप मुझे अच्छे लगते हो या आप में एक एक क्वालिटीज हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा है दोस्तों एफिनिटी। और सबसे बड़ी दिक्कत और दोस्तों, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनता है ऑक्सीमोग्लोबिन वो बहुत ही लूज बॉन्ड है दोस्तों। अब आप सोचिए दोस्तों कि ये लूज बॉन्ड क्यों है, अगर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसको पकड़ करके बैठ जाएगा तो ये ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक कैसे पहुंचेगी, जहां पर भी टिश्यूज में सेल्स को जरूरत है वहां पर जाकर छोड़ देता है इसको, तुरंत जाकर ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, इतना ही साथ होता है, तेरा मेरा साथ इतना ही था भाई, इसको टाटा बाय बाय बोल देता है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और एक बार इसको पकड़ लिया तो नहीं छोड़ती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और सबसे बड़ी दिक्कत, इस हीमोग्लोबिन को इंगेज कर लिया कि वो अवेलेबल ही नहीं है ऑक्सीजन के लिए, वो अवेलेबल ही नहीं है ऑक्सीजन के लिए, और क्या क्रिएट, क्या दोस्तों सिचुएशन क्रिएट कर दी इन्होंने, क्या सिचुएशन क्रिएट कर दी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, यानी कि जितने कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल अंदर जाते जाएंगे हीमोग्लोबिन को इंगेज करते जाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन जो है और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है वो क्रिएट पैदा हो गई, ऐसी सिचुएशन पैदा होगी दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड में ना तो कोई ऑर्डर होती है, ना कोई टेस्ट होता है, ना ही कोई इसका कोई कलर होता है, पता ही नहीं लगता दोस्तों, इसको डिटेक्ट करने का कोई साधन नहीं है। बंद कमरे में इंसान सो रहा है, वो सोते का सोता ही रह जाता है, सोता हुआ ही रह जाता है, इस वजह से क्यों, धीरे धीरे करके सारा हीमोग्लोबिन तो इंगेज हो गया, कमरे के अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन थी और इट लीड्स टू डेथ दोस्तों। सीएनएस डिप्रेस करता है, ये
क्या करता है, सीएनएस के डिप्रेशन का काम करता है, धीरे धीरे पर्सन की डेथ हो जाती है, शुरू में नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, इस तरीके से लगता है अगर पर्सन अवेक है तो। जब आग लगती है दोस्तों, उसमें जब आग लगती है बिल्डिंग्स में, तो जो डेथ होती है वो इसी की वजह से है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। उसमें तो खैर बहुत सारी गैसेज का रोल प्ले हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गला घोटने वाली गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कितना है, तो सीरम के अंदर इसी का लेवल देखा जाता है, कितना सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल देखा जाता है। दोस्तों दो चीजें समझिएगा, बुक्स में पढ़ोगे 1-10% तक का लेवल जो है वो नॉर्मल है, लेकिन दोस्तों नॉर्मल पॉइजनिंग लेवल है, दोस्तों नॉर्मल पॉइजनिंग लेवल है, तब तक पेशेंट को इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होती, उससे ज्यादा दिक्कत होना शुरू होगी। लेकिन आपका मकसद क्या है, अगर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से सफर कर रहा है, आपका मकसद है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल उस पेशेंट के सीरम में 5% से कम होना चाहिए। कैसे आएगा, आप पेशेंट को 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करोगे। क्या होगा 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने से, ये 100% ऑक्सीजन जो है इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की जो हाफ लाइफ है उसको रिड्यूस करने का काम करती है, और इसको कार्बोक्सी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको डिस्प्लेस कराती है और ऑक्सीजन को वहां पर प्लेस करने का काम करती है। ऐसे ही काम कर, यही ट्रीटमेंट है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। क्या ट्रीटमेंट है, प्योर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन या 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ही दोस्तों इसका ट्रीटमेंट है। क्या करता है वो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की हाफ लाइफ को रिड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को डिस्प्लेस करेगा, ऑक्सीजन को वहां पर प्लेस कराएगा और पेशेंट को। और कब नॉर्मल बोलेंगे दोस्तों, हम कब समझेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग से पर्सन बाहर आ गया है, जब सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल 5% से कम हो जाए। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, समझ तो चुके हैं, बहुत फास्ट तरीके से देखेंगे किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, यू आर मॉनिटरिंग द लेबोरेटरी वैल्यू रिजल्ट फॉर द पेशेंट हु हैज बीन डायग्नोस्ड विद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड आस्किंग फॉर ऑक्सीजन मास्क टू बी रिमूव्ड। आप पेशेंट की लेबोरेटरी वैल्यू दे रहे हो किसके लिए, जिसका डायग्नोसिस हुआ था कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए। पेशेंट आपको बोल रहा है कि मेरा ऑक्सीजन का मास्क हटा दीजिए प्लीज। You determine that the oxygen may be safely removed once the carboxy hemoglobin level decreases to less than which level? आप भी सोच रहे हो कि चलो यार हटा देते हैं, लेकिन कब हटा पाओगे आप उसका मास्क, ऑक्सीजन मास्क, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की लेवल का जो सीरम का लेवल है वो कितना होना चाहिए। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया, इस 5% से कम होना चाहिए तभी आप उसका ऑक्सीजन मास्क हटाएंगे। मतलब अब पेशेंट ठीक है जी, आप क्या सोचोगे वापस बढ़ सकती है क्या, जी नहीं, अब कार्बन मोनोऑक्साइड है ही नहीं कहीं पर, तो नहीं बढ़ेगी, पेशेंट अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स का, क्लियर। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, ए पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ हेडेक, वीकनेस एंड स्लाइट कंफ्यूजन। पेशेंट कैसे एडमिट हुआ इमरजेंसी में, हेडेक की शिकायत लेकर के, वीकनेस की शिकायत लेकर के, कुछ कंफ्यूजन के साथ में। द फिजिशियन डायग्नोसिस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, डायग्नोसिस भी हो गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है पेशेंट को। आप सबसे पहले क्या करोगे पेशेंट का, गैस्ट्रिक लावेज, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं दोस्तों, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है दोस्तों, एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन बाई ऑक्सीजन मास्क, यही ट्रीटमेंट है दोस्तों इसका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 100% ऑक्सीजन बाई मास्क। कोई साइकेट्रिक रेफरल की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कोई सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं हुआ है जिसमें साइकेट्रिक रेफरल की जरूरत हो, और ऐसा कुछ होता तो वो भी बाद में कराएंगे, सबसे पहले इसके लिए 100% ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों जल्दी से, यू इवेलुएट अ पेशेंट फॉलोइंग ट्रीटमेंट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड का पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट को फॉलोअप कर रहे हो, यू शुड डॉक्यूमेंट दैट द ट्रीटमेंट वाज इफेक्टिव इफ विच फाइंडिंग वाज प्रेजेंट। कौन सी फाइंडिंग प्रेजेंट थी तो ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहा दोस्तों, पेशेंट इज स्लीपिंग साउंडली, पेशेंट दोस्तों आराम से सोने का मतलब कहीं से भी नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में वैसे भी पेशेंट आराम से ही सोता है साउंड, तो दोस्तों ऑप्शन इनकरेक्ट, पेशेंट इज अवेक एंड टॉकिंग।
कार्बन मोनोऑक्साइड का पेशेंट जो दोस्तों नॉर्मल में अवेक भी होता है, टोकिंग भी होता है, बस जस्ट कंफ्यूज होता है, नोजिया हो रहा, वोमिटिंग हो रहा, डिजीनेस हो रही है, हेडेक हो रहा है पेशेंट को, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। द हार्ट मॉनिटर शोज साइनस टेकिकार्डिया, दोस्तों टेकिकार्डिया हो रहा है। यस दोस्तों टेकिकार्डिया और टेकिपनिया पेशेंट को होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, लेकिन अभी भी टेकिकार्डिया और टेकिपनिया हो रहा है, तो दोस्तों ट्रीटमेंट कहां से सक्सेस हुआ? नहीं हुआ। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल्स आर लेस देन, सेम वही क्वेश्चन अलग फॉर्म में दोस्तों यहां पर डिपिक्ट किया है कि ट्रीटमेंट कब इफेक्टिव हुआ, अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल 5% से कम आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। पेशेंट इन्वॉल्व्ड इन अ हाउस फायर इज एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड इनहेलेशन इंजुरी इज सस्पेक्टेड, व्हाट शुड यू मॉनिटर टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। आप क्या देखोगे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए? पल्स ऑक्सीमेट्री देखते हो, यूरिन मायोग्लोबिन देखते हो, स्पुटम देखते हो, सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देखते हो। दोस्तों आइडिया है आपको, ये 5% से ज्यादा जा रहा है, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग 10% से ज्यादा में होगी। दोस्तों ट्रीटमेंट का आपका प्लान क्या है? 5% से कम लेके आना है, मतलब सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल 10% से ऊपर जा रहा है, मतलब पॉइजनिंग रही है। वी होप आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अच्छे से समझ में आई होगी। चीज रिपीट कर देते हैं दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीमोग्लोबिन के साथ में जो एफिनिटी है, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बनाता है वो 200 गुना ज्यादा है दोस्तों ऑक्सीजन की बजाय में। बॉन्ड ऐसा बना लेता है कि इसको छोड़ता नहीं है, लास्ट में दोस्तों दम घुटता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्या करते हैं दोस्तों इसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, और एक ही तरीका है दोस्तों, और ये क्या करती है कार्बोक्सी, इस कार्बन मोनोऑक्साइड, इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की हाफ लाइफ को रिड्यूस करके कार्बन मोनोऑक्साइड को डिस्प्लेस करती है, ऑक्सीजन को वहां पर प्लेस करेगी और ट्रीटमेंट, और पेशेंट को थोड़ा राहत दिलाएगी। टारगेट आपका क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? 5% से कम ये हो जाना चाहिए। किसका लेवल? सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल 5% से डाउन लेकर के आना। दोस्तों अब देखते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में दोस्तों हम तीन तरीके की सेल्स यहां पर पढ़ेंगे, कौन कौन सी? एक आरबीसीज, दूसरी डब्ल्यूबीसीज और तीसरी प्लेटलेट्स। इनके दूसरे भी नाम है क्या? जी हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसीज को कुछ बोलते हैं क्या? जी बोलते हैं दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और इन ब्लड सेल्स के बनने के प्रोसेस को, ये ब्लड सेल्स के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हीमोपोएसिस। एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोपोएसिस ब्लड बनने का प्रोसेस, और ब्लड क्या है दोस्तों? एक तरीके से ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन, ब्लड नहीं दोस्तों, केवल ब्लड सेल्स के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपोएसिस। अब ये ब्लड सेल्स बनती कहां पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कहां पर होता है दोस्तों? ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहां बनती हैं? बोन मेरो में। कहां बनती हैं दोस्तों? बोन मेरो में। बोन मेरो भी कौन सा दोस्तों? रेड या येल्लो? रेड बोन मेरो में। तो सारी की सारी, रेड बोन मेरो कहां होता है दोस्तों? बोन्स के अंदर होता है। तो सारी की सारी बोन्स में क्या? जी नहीं, जो बोन्स फ्लैट है, जो बोन्स इरेगुलर है, और तीसरी तरीके का जो बोन्स लॉन्ग बोन्स हैं, तो लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे कल? एपिफाइसिस। लॉन्ग बोन के एंड्स को हम बोलते हैं एपिफाइसिस, और शाफ्ट को क्या बोलते हैं? डायफाइसिस। तो इन एपिफाइसिस में क्या बनता है? बोन सेल्स बनती हैं, ब्लड सेल्स बनती हैं दोस्तों, ब्लड बनता है एक तरीके से। हमने आपको नॉर्मल में बताया जो बोन्स फ्लैट हैं, इरेगुलर हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, तो उनके उन बोन्स के अंदर क्या बन रहा है दोस्तों? ब्लड सेल्स बन रही हैं। तो क्या बोन्स के नाम के हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है क्या? जी दोस्तों, स्टर्नम, रिब्स, पेल्विस और स्कल। दोस्तों ये तीन चार नाम दिमाग में रखिएगा, स्टर्नम, रिब्स, पेल्विस, स्कल, इनमें सबसे ज्यादा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, सबसे ज्यादा ब्लड फॉर्मेशन होता है, सबसे ज्यादा हीमोपोएसिस की प्रोसेस जो है वो इन्हीं में होती है। किन में? स्टर्नम में, रिब्स में, पेल्विस में और स्कल में।
ब्लड सेल्स को कौन बना रहा है? क्या यही ब्लड सेल्स बना रही है क्या? जी नहीं, कोई स्टेम सेल्स होती हैं, और उन स्टेम सेल्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। दोस्तों ये भी एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स ये ब्लड सेल्स को बनाने का काम करती हैं। न्यूबॉर्न में दोस्तों क्या होता है भाई? रेड बोन मेरो होता है। न्यूबॉर्न्स में दोस्तों अगर न्यूबॉर्न्स की बात करें तो जो बोन मेरो है वो टोटली क्या होता है? रेड बोन मेरो होता है। लेटर क्या होता है दोस्तों? मैक्सिमम किस में बदल जाता है? ये येलो बोन मेरो में बदल जाता है। जो मेडुलरी कैविटी होती है बोन की, जो बीच के अंदर, वो मेडुलरी कैविटी के अंदर मैक्सिमम येलो बोन मेरो। कभी ऑर्थोपेडिक सर्जरी करवाएंगे दोस्तों तो ड्रिल करते समय देखिएगा, घी की तरह से दोस्तों एकदम से ना येलो वो बोन मेरो है दोस्तों कंप्लीटली। कहां पर? शाफ्ट में। और एंड्स पर क्या होता है दोस्तों? रेड बोन मेरो होता है। दोस्तों बोन मेरो की बात चल रही है तो एक छोटी सी चीज और आपको यहां पर दिमाग में रखनी चाहिए, बोन मेरो एग्जामिनेशन। बोन मेरो एग्जामिनेशन दोस्तों, अब पढ़ रहे हो आप तो घर वाले तो आस पड़ोसी रिश्तेदार पूछ लेते हैं, बेटा ये टेस्ट लिखा है क्या चीज है जी? बोन मेरो एग्जामिनेशन कब? बहुत सारी केसेज में कराया जा सकता है, डायग्नोस्टिक केसेज में, बहुत सारे केसेज के डायग्नोसिस में काम में कराया जा सकता है बोन मेरो एग्जामिनेशन। लेकिन सबसे मेन ल्यूकीमिया। क्या भाई? ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। दूसरा एनीमिया के सीवियर केसेज पढ़ेंगे दोस्तों, कौन सा एनीमिया? प्लास्टिक वाला क्या? अप्लास्टिक एनीमिया पढ़ेंगे दोस्तों, एनीमिया। तो बोन मेरो एग्जामिनेशन किसके डिटेक्शन के लिए? ब्लड कैंसर या फिर एनीमिया के डिटेक्शन में करते हैं दोस्तों। अब बोन मेरो एग्जामिनेशन करते किससे? नीडल आती है दोस्तों, एक एस्पिरेशन नीडल आती है तो क्या करते हैं दोस्तों? बोन बायोप्सी की तरह से, एक तरीके से क्या लेते हैं? बोन बायोप्सी। कहां से ली जाती है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इलियक क्रेस्ट से ली जाती है। साइड दोस्तों ये एग्जाम्स का क्वेश्चन है, इलियक क्रेस्ट से ली जाती है क्या? बोन बायोप्सी। किसके लिए? बोन मेरो एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा और किससे ली जा सकती है? स्टर्नम से भी ली जा सकती है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेज के अंदर। मेन कॉमन साइट दोस्तों बोन मेरो एग्जामिनेशन के लिए इलियक क्रेस्ट। यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो हमने ऑनलाइन टेस्ट का रखा हुआ है, आज ही अपडेट किया है, और 100 क्वेश्चंस हैं दोस्तों उसके अंदर। जितना हमने अभी तक आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और DT+V में दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सोचेंगे सर कि मतलब बहुत ईजी लग रहा है हमें, तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहां से आपको करने ही है दोस्तों। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अपडेट कर दिया, इस टेस्ट को हम इसको कम्युनिटीज में भी डाल देंगे, तो जहां से भी आपको ये लिंक मिलता है प्लीज इसको आप सोल्व करके सबमिट करने का प्रयास कीजिएगा। आप जैसे इसको सबमिट करेंगे आपको लास्ट में दिखाएगा कि व्यू द स्कोर, और आप व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे आपको अपने मार्क्स से दिखा देगा। आप अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी वहां से कर पाओगे अपने ईमेल एड्रेस से। आप अपने जिस ईमेल एड्रेस से इसको रजिस्टर करोगे दोस्तों, हम तो नहीं कहते वैसे किसी को भी रजिस्टर करने के लिए कि आप रजिस्टर कीजिए, लेकिन अगर आपको ये पेपर चाहिए है तो आप अपने जिस ईमेल एड्रेस से आप इसको रजिस्टर करोगे उसके साथ में आपके ड्राइव में ये पेपर भी आपका खुल जाएगा मार्क्स के साथ में, कौन सा क्वेश्चन आपका सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है। हमने पूरी सावधानी बरती है दोस्तों, लेकिन फिर भी किसी को कोई डाउट है तो क्रॉस कर सकता है हमसे कि सर मेरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही है, आपने गलत क्यों किया है, डिस्कस करेंगे दोस्तों हम उसके ऊपर भी।